नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन जाखड़। मैं सभी से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जी हां, पिछले 3 दिनों में चिराग दिल्ली वार्ड के अंदर 3 केस आ चुके हैं, जैसा कि एक पहला खिड़की एक्सटेंशन, दूसरा सेक्सराय फेस वन, और आज चिराग दिल्ली में भी। और जो चिराग दिल्ली वाला केस भी है वो खिड़की एक्सटेंशन से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। बेहद ज्यादा जरूरत हो तो भी घर से बाहर ना निकले। आप घर में अगर 10 सदस्य, 12 सदस्य, 15 सदस्य रहते हैं तो कोशिश करें कि एक सदस्य निकल जाए आधे घंटे के लिए और वो सबका सामान खरीद के ले आए और अच्छे से हाथ वाथ धो ले, और जो बाहर से सामान ला रहा है उसको भी अच्छी तरह धो धा ले। मेरा सभी जो मेरे किराएदार भाई बंधु सुन रहे हैं हमारी बात, सभी लोग जो मकान मालिक वो भी सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि घर में रहना बड़ा मुश्किल है, मगर इस मुश्किल की घड़ी में आपको प्रशासन का साथ देना है। आप लोगों को अपने घर में ही रहना है। अभी पीछे हमने देखा, जो पहला पेशेंट आया वो एक दुकान से सामान खरीद के लेके गया था, वो हॉस्पिटल, और उसको भी कोरोना हो गया और दुकान वाले को भी कोरोना हो गया, जिसकी पुष्टि आज हो गई और उसको आज अस्पताल लेके गए। तो मेरा सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि अपनी दुकान के पास भी, जो भी जरूरत की दुकान, जो परचून की दुकान है, सब्जी की दुकान है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी को बनाए अच्छे से बनवाए, और जरूरी ना हो तो दुकान भी ना खोले। सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है, अपने आसपास जहां कहीं भी भीड़ देखे, गलियों में भीड़ देखे, तो वो पुलिस को फोन करें, बार बार करें, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, और सामाजिक तौर पे आप भी उनके रोक टोकी करें। अन्यथा मैं जानता हूं कि चाहे चिराग दिल्ली गांव हो, चाहे खिड़की एक्सटेंशन हो, पंचिल बिहार हो, जगदम्बा कैंप हो, सेक्सराय फेस वन हो, तकरीबन हर गली, हर चौक चौराहे, मोहल्ले में लोग झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। ऐसा हम कदापि ना करें। हमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा, और जब आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो आप देश के असली हीरो बने और घर के अंदर ही रहें। धन्यवाद।